बड़ी गंदी आई है। चांद देखने आया ऊपर रमज़ान का। वैसे तो पता नहीं मेरी शक्ल आप लोगों को नज़र आ रही होगी या नहीं, लेकिन हमारी इस छत से पूरा शाहपुर नज़र आता है, पूरा का पूरा शाहपुर। चांद नज़र आता है या नहीं ये हमें नहीं पता, अभी यही देखने के लिए हम लोग ऊपर खड़े हैं। मुझे नहीं लगता चांद नज़र आएगा, बादल बहुत ज़्यादा है, उधर बिजली भी चमक रही है, हो सकता है अभी बारिश शुरू हो जाए। ये भाई जा रहे हैं, ये भी कमरे से निकले हैं कि चांद देख लें, लेकिन नज़र नहीं आएगा इनको। भाई कह रहे हैं चांद चाड़ के ना मुझे। मुबारक हो भाई, ये चांद नजर आ गया। पता नहीं आप लोगों को अब नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये जो बादल है ना, ये वाले दो बादल इनके ऊपर है, बारीक सा नजर आ रहा है। रमजान मुबारक। हाय, माय नेम इज अक्षत, हैप्पी रमजान मुबारक। अरे मैं अम्मा कब हो गए। गाइस, सुबह के 9:30 हो रहे हैं, सारी के बाद मीठी सी नींद सो गया था, अभी उठूँ आपको मेरा चेहरा और आँखें बता रही हूँ किस तरह सूजे सूजे लग रहे हैं ना। रोज़ा मैंने सुबह ही रख लिया था, अब ये ना पूछेगा कि कहाँ रखा है। अब मैं रोज़ों का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पर रमज़ान और मुबारक। इसके बाद मैं कुरान पाक की तिलावत करूँगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, फिर हम इफ्तारी बनाना शुरू करेंगे। अब मैं आलू काटने बैठूँ क्योंकि ये जो मेरा टाइम होता है ना, ये अम्मी के साथ हेल्प करवाने का होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि आप लोग भी अम्मी के साथ लाजमी हेल्प करवाया करें, क्योंकि ये वो वाहिद रिश्ता होता है जिसने सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई होती है। अम्मी हैं जो अफ्तारी बनाती हैं, अम्मी हैं जो आप लोगों की सैरी बनाती हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने उनके साथ लाजमी हेल्प करवाना होती है। जैसे कि मैं हेल्प करवा रहा हूँ, ऐसे आज हमारे घर समोसे वाले आलू बने, तो इसके बैकग्राउंड की स्टोरी ये है कि आपकी की जो सबसे बड़ी बेटी है ना, वो कल अफ्तारी में बैठी हुई थी, वो कहती कि क्या आप लोग ये रोल बना लेते हो, फ्रूट चाट बना लेते हो, पकौड़े बना लेते हो। तो पूछने में पता चला कि मैडम समोसा खाना चाहती है, तो बस उसी की विश को पूरा किया जा रहा है। बाहर बैठ के काम करें क्योंकि बाहर बारिश होती है।
जो हमारा 4 बजे वाला टाइम होता है ना, वो होता है हमारा क्रिकेट खेलने का। हम तकरीबन रोज़ 4 बजे क्रिकेट खेलते हैं। आज तो बारिश भी हुई है, और ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं हूँगा उस्मान साथ, मेरे बड़े भाई सनी, जायद भाई, हम सारे मिल के क्रिकेट खेलेंगे, मज़ा आएगा। गंदा क्या चीज करता है? अब बारी आती है अपने पहले क्वेश्चन में जाने की। ये रही इफ्तारी, पड़ोसियों के घर जा रही है। इसमें है फ्रूट चाट और इसमें है चटनी। ये इस जगह किचन के सामने हमारी चटाई बिछती है, जहाँ पर हम सारे घर के जो मेंबर्स हैं ना, वो बैठ के इफ्तारी करते हैं, यू नो, जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये रहा हमारा दूसरा किचन। बेशक रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ, एक इफ्तार के वक्त और दूसरा रब से मुलाकात के वक्त। सो गाइस, वीडियो के आखिर पे आपसे दो बातें और शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, अभी भी रोज़े रख रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है गुनाहों से दूर रहना। तो जब रमज़ान गुजर जाएगा, तब भी हमने ये वाली रूटीन है ये कायम रखनी है, ताकि ये जो हमारे पहाड़ से गुनाह है ना, ये थोड़े कम हो सके। आपको तो पता नहीं, मैंने तो माउंट एवरेस्ट बना रखी है। और दूसरा, ईद भी आने वाली है, सिर्फ कुछ रोज़े ही बाकी बचे हैं, फिर ईद आ जाएगी। तो आपने ईद की खुशियों में दूसरे इंसानों को भी याद रखना है। अपनी पॉकेट से गरीबों और मुफलिसों की मदद करनी है। ज़रूरी नहीं अमाउंट बड़ी ही हो, जितना हो सके, जितना आप अफोर्ड कर सके। इट कैन बी 1 रुपी ओनली। ओके, अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक में आपके मेरे सबके गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन। दोबारा फंस गयो ना, फंसा नहीं करो। हाँ चलो, आप ऐसे फंस जाते ना, माय नेम इज अक्षय जाय, फिर सोचने लग जाते हो आप, सोचो नहीं। नहीं।
जाहिद आपके पापा का नाम है।